देखो बॉडी बनाने का शौक ऑलमोस्ट सभी को होता है लेकिन सबके शौक पूरे नहीं होते और वहां मिला मैं अभिषेक से ही ट्वेंटी वन हमारे जिम का हेल्पर है एंड ऑल्सो हमारा सब्सक्राइबर भी अभिषेक और बहुत लोगों का बॉडी टाइप सिमिलर होता है जिसको हम बोलते हैं स्किनी फैट मतलब ओवरऑल बॉडी स्किनी है शोल्डर्स हाथ पैर और हल्का सा बेली फैट इनके बाल है लंबे एंड रफ एंड स्किन पे है बहुत सारे मार्क्स इनको हमने इन्वाइट करा हमारे स्टूडियो में अभिषेक है थोड़ा सा बट काफी एक्साइटेड बिकॉज उसको खुद

ऊपर और नीचे से हाइट दे दी गोल को तो क्या ओवल बन गया लेकिन देंगे कैसे ऊपर अगर आपने वॉल्यूम वाला स्टाइल रख लिया या

बियड अब ऑबलोंग फेस में क्या है लेंथ ज्यादा है विथ थोड़ी कम है तो उसके लिए जिन लोगों की बियड आती है तो वो हैवी बियड रखेंगे तो नीचे से विथ मिल जाएगी अगर बियड की कमी है तो ऊपर से आप थोड़ी सी विथ बढ़ा सकते हैं कैसे विथ और एज के साथ आपने शॉर्ट स्पाइक्स स्पाइक स्पाइक रख लिए या फ्रिंज ऑफ हेयर स्टाइल अभिषेक का फेशिप क्या है स्क्वायर मतलब एजिस है हमें क्या इसको बैलेंस करना है अगर इसको स्पाइक्स दे दिया कोई भी शार्प हेयर स्टाइल दे दिया तो ईटा लगेगा भाई इसको सॉफ्टनेस देने के लिए इसके ऊपर के बाद हम एक से दो इंच छोटे करेंगे एंड साइड एक नंबर पेयर अभिषेक के बालों में चाहिए सॉफ्टनेस आपने बहुत बार इंटरनेशनल हेयर स्टाइल्स देखा होगा जिनके बालों के अंदर वो लेयर्स आती है ये वो सॉफ्ट टेक्सचर आता है उसके लिए रेजर से ऐसे करना पड़ता है आपके नाई का बाएं हाथ का खेला कर आप दिखाएंगे तो और इसने करा है गुना क्या आपने फोरहेड पे रेजर लगवा के अगर मैंने वापस लगवा लिया नीटनेस के लिए तो ये एक नशा बन जाएगा और बार बार करवाना पड़ेगा तो बेस्ट तरीका क्या है जो भी बाल अभी ऑलरेडी है उसको नीटली फोरहेड के साथ अलाइन कर दिया जाए जिससे वो नीट भी लगे एंड छपरी ना लगे जब हमने अभिषेक की बी देखी तो क्योंकि बी क्यों की होती है देखो चार स्टेजेस सबसे पहली होती है फुल बी मतलब टेंशन का लेने का कोई भी स्टाइल बना लो क्योंकि फुल बियर्ड है फुल्ड आती है स्मॉल जिसको आप काजल पेंसिल हैक से या बियर्ड पेंसिल मंगवा के कवर कर सकते हैं और अगर आप बाकी लेंथ भी हल्की बढ़ाएंगे तो उससे पार्सली कवर हो जाता है प्रॉब्लम आती है थर्ड बियड क्योंकि यहाँ पे आते हैं बड़े पैचेज क्योंकि अगर उसको छुपाने के लिए काजल पेंसिल लगाओ या आप अपनी बियर्ड को बढ़ा भी लोगे तो भी वो फेक लगेगा या दिखना ही दिखना है उसके अंदर तो हमें स्ट्रॉग एरिया ढूंढने अगर साइड में बड़े पैच आते हैं सेंटर आपका स्ट्रॉग है तो आप अपना फ्रेंच रख लिया वैंड रख लिया फ्रेंच गोटी रख लिया अगर यहाँ पे कम आती है मूचे हल्की आती है

तो हमें क्या करना है हम देसी लोगों के पास भी वो फुलर्स अर्थ क्ले है जिसको हम क्या कहते हैं मुल्तानी मिट्टी उसको एक बेस इंग्रेडिएंट रख के अलग अलग स्किन प्रॉब्लम अलग अलग स्किन को उससे बेस इंग्रेडिएंट से ट्रीट कर सकते हैं फॉर एग्जाम्पल अगर आपको टैनिंग और स्पॉट्स की प्रॉब्लम है तो आपने मुल्तानी मिट्टी ली उसके अंदर छाछ यानी कि लैक्टिक एसिड जिसमें होता है वो डाला और उसके साथ टमाटो का रस डाल लिया नेचुरल वाइटामिन सी मिक्स करा वो आपकी डर्ट भी सूखेगा और साथ में डार्कनेस भी रिड्यूस करेगा अब सेम मुल्तानी मिट्टी को स्किन अगर ऑयली रहती है तो उसमें रोज वाटर डाल के लगा लो अगर आपके पास टाइम कम है और घर पर वाइटामिन सी है तो किसी भी स्किन टाइप को बेटर करने के लिए एक अच्छा फेस पैक है वाइटमिन सी एंड मुल्तानी मिट्टी अगर स्किन ड्राई रहती है तो हनी और दही डाल लो जिससे स्किन नेचुरली मॉइस्चराइज रहेगी एंड क्लीन जब इनके बाल सेट करने गए तो एक बहुत बड़ी गलती देखी जो आप भी करते हैं सो ध्यान से सुनना वो है क्या जब भी ये शावर या करते हैं उसके बाद क्या होता है हल्का तेल लगा के बाहर निकल जाते हैं जो बहुत लोग करते हैं और उससे क्या होगा ये तपती गर्मी में पसीना आता है जल्दी आ जाता है और आपका जब ऑयल मिक्स होगा तो फोर पे आपके पोस्ट को ब्लॉक करेगा ब्लैकेट के चांसेस ज्यादा एक्ने के चांसेज

लेकिन ऐसा नहीं है मतलब वो डेनिम से लेके ऑफिस की पैंट स्कूल की पैंट यहाँ तक के जिम के लोअर में भी स्किन फिट लोगों को ज्यादातर स्किन फिट पता है लेकिन अलग अलग तरीके की फिट्स होते हैं बेसिक फिट की बात करेंगे स्किन इज ऑलमोस्ट बॉडी हगिंग जिनकी बॉडी प्रपोर्शन में ऊपर नीचे और साथ में फिट होती है उन उनपे अच्छा लगता है उसके बाद आता है आपका स्लिम फिट थोड़ा मार्जिन रहता है स्लिम का मतलब बिल्कुल चिपका नहीं रहता है उसके बाद आता है थोड़ा सा और खुली साइड पर जाएंगे आपका स्ट्रेट फिट एंड देन रिलैक्सड फिट अब ये दो कैटेगरीज ऑलमोस्ट हर बॉडी शेप पे चली जाती है एंड सेफ फिट्स रहते हैं अगर इनकी ओवरऑल बॉडी पे ध्यान दे तो स्किनी बॉडी टाइप है लेकिन हल्का सा पेट है इसको हम स्किनी फैट बॉडी टाइप कहते हैं गैंगस्टर लुक जो आप इजिली फेयरवेल पर यूज कर सकते हैं शादी पे यूज कर सकते हैं किसी भी अच्छे ओकेजन पे पहन सकते हैं ब्लैक है, में व्हाइट शर्ट स्लिम यूज़ करनी है शाइनी चीप लगती है मैट फिनिश में डेढ़ सौ रुपए की हमने, हमने यूज करा है गोल्ड टाइप इन जिसके साथ आप ब्लैक या गोल्ड वॉच यूज करेंगे अगर आपके पास सिल्वर टाइप इन है तो सिल्वर या ब्लैक वॉच और क्योंकि पूरा आउटफिट न्यूट्रल कलर का है, हल्का सा पव आउट करने के लिए प्रेजिडेंशियल स्टाइल में रेड पॉकेट स्क्वायर और अगर आपको रेट्रो वाइप देनी है यू कैन ऑल्सो यूज अ ओकेजन वेयर है तो इसीलिए इनकी हेयर सेटिंग में क्या कराया हमने पहले आपको बालों को पीछे सेट करना है, उसके बाद, जेल लगाना है हमें एंड एक फाइनल फिनिश एंड हेयर इट इज अब सेकंड लुक में हम गए लोकल फैब्रिक मार्केट जो किसी भी इंडिया की फैब्रिक मार्केट से आपको ये मिरर वर्क वाला कपड़ा मिल जाएगा जिसको हम शिफली फैब्रिक कहते हैं हमने ली ऑल ब्लैक लुक रखवाया इसको हमने राउंड नेक इसलिए क्योंकि इनकी नेक है थोड़ी छोटी और लंबी दिखेगी राउंड नेक से और साथ में इनकी जॉ स्ट्रॉन्ग है तो जॉ लाइन पॉप आउट होगी बाहर को निकलता हुआ कट विध ब्लैक धोती ब्लैक फॉर्मल वॉच और ब्लैक कोल्हापुरी एंड लुक लगी कुछ <laughs>

प्राइस को स्प्लिट करके आपको छोटी छोटी चीज़ों को इसलिए बताया गया है कि सस्ते में भी अच्छा दिखा जा सकता है जिसके अंदर अपने एक्सेसरीज और जूते भी इंक्लूड करें जो थ्री सिक्सटी फाइव डेज चलते हैं और सारे प्रोडक्ट्स का लिंक नीचे दे दिया जाएगा तो कैसी लगी आपको हेल्पर से हीरो की ट्रांसफॉर्मेशन और हमने एक रिसेंटली चौकीदार टू स्टार भी किया था हम ये ट्रांसफॉर्मेशन करते रहते हैं लेकिन अब बारी है सब्सक्राइबर ट्रांसफॉर्मेशन की अगर आप भी चाहते हैं एक फ्री अच्छा फोटोशूट और ऐसी ट्रांसफॉर्मेशन तो एक मिनट की मेहनत आपको भी करनी पड़ेगी आपको लाइक करना है और कॉमेंट करके बताना है आप डेली आ सकते हैं या नहीं तो कॉमेंट में आपको क्या करना है डेली येस आपका नाम आपकी एज ये कॉमेंट करेंगे और साथ साथ इस वीडियो को आपको फेसबुक पर शेयर करना है हम कमेंट पढ़ के प्रोफाइल को सिलेक्ट करेंगे और आपसे ये सारी चीजें चेक करी जाएगी आपने करी है या नहीं एंड इफ यू बी सिलेक्टेड आप होंगे हमारी नई वीडियो